Inside Gear. हेलो हेलो दोस्तों, मैं हूं निशित और आपका बहुत बहुत स्वागत है इनसाइड गियर के एक नए वीडियो में, जहां आज मैं पहुंच गया हूं रुद्रप्रयाग केदारनाथ धाम में। और आज इस वीडियो में आपको केदारनाथ धाम की पूरी यात्रा दिखाएंगे, हम क्या क्या कर रहे हैं ये दिखाएंगे। तो बेसिकली ये बहुत दिनों से प्लान बन रहा था कहीं घूमने जाने का, लेकिन कोविड-19 के चलते कोई प्लान बना नहीं। तो फाइनली परसों रात को प्लान बना और हम दिल्ली से निकले केदारनाथ धाम के लिए। पूरी रात हमने ड्राइव की, हम कल शाम को यहाँ पे पहुँचे, कल काफ़ी थके हुए थे तो हम सो गए। तो आज सुबह हम केदारनाथ धाम की यात्रा शुरू कर रहे हैं। अभी होटल में हैं, मैं बालकनी में ही खड़ा हूँ जब ये शूट कर रहा हूँ। तो मेरे पीछे आप व्यू देख सकते हैं, बड़ा शानदार व्यू आ रहा है और रास्ते में भी और भी बहुत शानदार व्यू मैं आपके साथ शेयर करूँगा। तब तक आप सिनेमेटिक शॉट्स देखिए, कुछ बाकी बातें करेंगे आज इस व्लॉग में बहुत सारी। आप भी अगर प्लान बना रहे हैं घूमने जाने का कहीं पहाड़ों में या अदर किसी डेस्टिनेशन पे, तो आप जाइए। कोविड-19 के चलते सारी जगह हालांकि खुल गई हैं, लेकिन फिर भी आप थोड़ा सा एहतियात बरतिए और इस वीडियो को देखते रहिए। अब इस वीडियो को पूरा देखिए, अगर चैनल पर आए हैं सबसे पहली बार तो चैनल को कर दीजिए फटाफट से सब्सक्राइब, इस वीडियो को कर दीजिए लाइक और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट अपडेट्स जानने के लिए। तो चलिए अब शुरू करते हैं। हम ऑलरेडी लेट हो चुके हैं, 7 बज रहे हैं, लंबी यात्रा है, पैदल यात्रा करनी है। देखते हैं कैसा लगा, मैं पहली बार यात्रा कर रहा हूँ यहाँ पे। हालांकि वैष्णो देवी की यात्रा मैंने की है, वो भी काफ़ी लंबी है, तो अभी देखते हैं कितनी लंबी यात्रा है और क्या क्या होगा यात्रा में। थकेंगे, बैठेंगे, आप बात करेंगे आप लोगों से, व्लॉग शूट करेंगे साथ ही साथ। तो इस वीडियो को एंड तक देखिए, वीडियो बहुत ज़्यादा शानदार होने वाला है। तो चलिए अब शुरू करते हैं इस वीडियो को। सो दिस इज सूरज, से हाय। दिस इज बंसल, हाय। कमल, हेलो। तो फाइनली अपन निकल गए हैं सोनप्रयाग से और अपन सूरज कहाँ जा रहे हैं? हम गौरीकुंड जा रहे हैं, वहाँ थोड़ा सा नाश्ता करेंगे। सुबह सुबह भूख लग रही है, कुछ खाया नहीं है। और भूख लग रही है भाई, क्या क्या खाओगे? चाय देखते हैं, पकौड़े मिलते हैं, पुदीने वाले पकौड़े, पुदीने वाले पकौड़े। तो भाई देख लो, जो भी केदारनाथ धाम आया तो पुदीने के पकौड़े जरूर खाए। सुनो, उसके बाद अपन निकलेंगे यात्रा के लिए पैदल पैदल। तो मिलते हैं आपसे, थोड़ा सा रास्ता आपको दिखा देता हूँ, बाहर का व्यू कैसा आ रहा है ये देखिए। तो अपन को उतारा है गौरीकुंड से 1 किलोमीटर पहले और अभी अपने को जाना पड़ेगा गौरीकुंड पैदल पैदल, उसके बाद हो जाएगी यात्रा शुरू। मतलब यात्रा अभी शुरू हो चुकी है अभी, तो अपन चल रहे हैं अब पैदल पैदल गौरीकुंड पहुंचेंगे। अब यात्रा जो है ऑफिशियली शुरू होने वाली है, वो बोर्ड केदारनाथ धाम में आपका स्वागत है ये रहा। हॉर्न बज रहा है, ये ढंग से गाड़ियाँ, मेरा बोर्ड दोबारा दिखा दूँगा आपको, इसको इंट्रोड्यूस नहीं कराया था। ये है चौहान, हाय चौहान, से हाय, हाय बोल दो सारे व्यूअर्स को। और अब हम यात्रा शुरू कर चुके हैं, थोड़ी सी दूरी आने में इतनी हालत ख़राब होगी, पता नहीं इतना दूर जाएंगे कैसे, मेरे को तो ये समझ नहीं आ रहा। कैसे जाएंगे भाई कमल? कैसे पैदल जाएंगे? कैसे पैदल जाएंगे आप बताइए, कैसे पैदल जाएंगे? जैसे जैसे चल रहे वैसे जाएंगे। पैदल जाएंगे तो हर हर महादेव, बाबा का नाम ले लो, हर हर महादेव। तो भैया थोड़ी सी देर चलते ही और आ गए हैं फूड ट्रैक के रास्ते पे, यहाँ से शुरू होता है फूड ट्रैक का रास्ता। तो अब ऑफिशियली शुरू करने वाले हैं यात्रा को। तो भैया हर हर महादेव, हर हर महादेव। क्या कह रहे हो बताओ? बस कुछ नहीं, चाय पियेंगे अब। उसके बाद कहाँ जाना है? पराठे खाएंगे। मतलब बंसल भाई के बारे में बताइए। अरे भाई बस इनको, इनकी जिंदगी तो ये जी चुके हैं अपनी, हाँ। अब इनको यात्रा करनी है, अब ये आए केदारनाथ और अगली बार आएंगे, इनको थोड़ा सैल्यूट वगैरह की बात। आगे अमरनाथ और उसके बाद कैलाश मानसरोवर है, प्यारे हो जाएंगे। इन्होंने जो अपनी जिंदगी में करना चाहिए ये सब कुछ कर चुके हैं, हाँ। और बस ज़्यादा बोलना नहीं चाहूँगा, ये हमारा चैनल है और बस चैनल के लिए एक शाउट आउट, सब्सक्राइब के लिए सब्सक्राइब करें, लाइक करें और घंटी का बटन दबाएं ताकि हमारी नई नई वीडियो आप देख सकें। जी आप चाय आ गई भैया, चाय लो, मैं भी चाय पीऊँगा। 2 से सिर्फ 2.5 किलोमीटर अभी हम चले हैं और मेरा चेहरा देख कर आपको अंदाज़ा लगा सकते हो कि चेहरा कैसा हो रहा है। फेस एक्सप्रेशन मेरा तो देख लिया आपने, बंसल का फेस एक्सप्रेशन देखिए, स्पीड पसीने में एकदम तरम तर हो रहा है। बंसल हाउ इज़ एक्सपीरियंस? मस्त। कैसा लग रहा है? मज़ा आ रहा है। क्या कहना चाहेंगे आप?
बाबा ने बुलाया तो दर्शन तो करके जाने पड़ेंगे, जाने पड़ेंगे। हाँ सूरज, कैसी हालत है? बहुत अच्छी हालत है। कैसा लग रहा है? फीलिंग ये आ रही है कि इस टाइम पे चॉपर आ जाए, डायरेक्ट लैंड हो जाए। चॉपर के बारे में क्या है कमल? चॉपर 45,000 का चॉपर। हाँ हमारे पैर से बढ़िया चॉपर कहाँ है? चढ़ाई कितनी खड़ी है कमल ये बता। चढ़ाई खड़ी तो है पर हम चढ़ जाएंगे। चढ़ जाएंगे वीडियो में जैसे होता ना। अच्छा चौहान क्या क्या हो गए आप क्या हो गए चौहान जी? थोड़ी थकान है बट जाना तो है, क्या करना है, थकान है। लेकिन अगर थकान नहीं ली तो फिर क्या फायदा? बाबा ने बुलाया। ये देखिए चेहरे के एक्सप्रेशन जैसे थे वहाँ से यहाँ से बदल चुके हैं बिल्कुल। कंटिन्यू करेंगे आगे, फिर मिलते हैं आपको। ड्यूरिंग यात्रा हम एक भाई मिले, क्या नाम है? अनुभव। तो दिस इज़ अनुभव, और अनुभव सोलो ट्रिप पे आए हैं बिजनौर उत्तर प्रदेश से। तो ये सोलो ट्रिप के लिए कौन कौन से गट्स चाहिए पहले तो बताइए। गट्स होने चाहिए ना? कितने कितने गट्स चाहिए? गट्स होने चाहिए क्योंकि मैं ना ग्रुप का जो प्लान बनाया था ग्रुप वाले धोखा देते हैं। तो ग्रुप वाले बहुत दगाबाज होते हैं भाई, देख लो। ग्रुप में कोई प्लान बनाओ तो एकदम बढ़िया लोगों के साथ बनाना चाहिए, वरना आप अनुभव जी की तरह एकदम अकेले आएंगे। और चल दो। तो भाई सोलो ट्रिप पर एक अपना अलग मज़ा होता है, कितना मज़ा आ रहा है? बहुत मज़ा आ रहा है। अनुभव भाई से पूछो कितना मज़ा आ रहा है? हमें बहुत मज़ा आ रहा है। नहीं नहीं हमारे नए नए दोस्त मिलते हैं जिसको चाहे मन ये हाँ ये बेटर ऑप्शन है। जिसको मन करे दोस्त बना लो और जिसको चाहे छोड़ चलो। और जो हमारी टीम के गुर्गे हैं पीछे एकदम ख़त्म हो गए हूँ, हालांकि मैं भी ख़त्म हो गया हूँ, लेकिन मैं चल रहा हूँ अनुभव भाई के सहारे। मोटिवेशन मिल रही है इनसे मेरे को, आराम आराम से चल रहे हैं, हालांकि सांस फूल रही है लेकिन फिर भी हम चल रहे हैं। तो भी है रास्ता काफ़ी बचा हुआ है, बहुत सारी बातें करेंगे, बातें चल ही रही हैं। एक नेचर फॉल आया तो मैं आपको दिखा दूँ। हम आ गए हैं बहुत ही शानदार व्यू के पास, थोड़ा अंदर की तरफ चलते हैं। अपनी टीम जो है वो अंदर है, मज़ा भी आ रहा है लेकिन पैरों में दर्द एक्चुअली हो चुका है। और अपन आ चुके हैं अब 10 किलोमीटर। वेलकम बैक तो नहीं कहूँगा क्योंकि ये वीडियो कंटिन्यू चल रहा है। और आवाज़ पता नहीं सुनाई आ रही, मैंने बाइक लगा रखा। बहुत ही शानदार व्यू है, मैं थोड़ा नीचे उतर ही आया हूँ और व्यू देख लो आप कैसा आ रहा है। बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ रहा है मेरे को यहाँ पे। मैं जितना थक के उधर से आया था उतना मुझे रिलैक्स फील हो गया यहाँ पे। हालांकि थोड़ा रिस्की है यहाँ पे आना, आप आएंगे तो समझ के आइएगा। शूज वगैरह से मैं स्टेप बाई स्टेप यहाँ पे आराम से करके आया हूँ। बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है यहाँ पे मेरे को। अब तो पैसा वसूल ट्रिप मैं इसको कह सकता हूँ अभी तक। और एक तो असली फील है वो आगे मिलेगा जब मंदिर के दर्शन होंगे, क्योंकि वो पहला व्यू मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। हालांकि मैं फोटोज़ में हमेशा देखा था केदारनाथ का मंदिर, केदारनाथ धाम। जब मैं वहाँ पहुँच चुका हूँ तो सबसे पहले आपको दिखाऊंगा क्या व्यू होगा मंदिर का, कितना मज़ा आएगा वहाँ पे, और बहुत सारे सिनेमेटिक शॉट्स आप लोगों के लिए मैंने कैप्चर कर लिए। तो जब आप वीडियो को उसको देखेंगे तो आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगेगा और आप भी सोचेंगे कि आप अपने दोस्तों के साथ एक ट्रिप का प्लान किए। ट्रिप का प्लान करेंगे तो रुपया को दो आदमी अच्छा है, आप कहीं भी जा सकते हैं, लेकिन बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ रहा है। आई एम इन्जॉइंग द ट्रिप। भैया मैं ऊपर आ गया हूँ लोकेशन का थोड़ा सा, और ये ब्रिज जो है ना जो लिटरली हिल रहा है यार, ऐसा लग रहा है मेरे को, फील हो रहा है अभी ये हिल ही रहा है। और चल रहे हैं हम आगे की तरफ मंदिर की तरफ, पता नहीं कितनी देर में पहुँचेंगे हम, लेकिन ये ब्रिज लिटरली हिल रहा है, डर लग रहा है। ये ब्रिज हिल रहा है लिटरली। चल रहा आगे की तरफ, वीडियो कंटिन्यू है आगे। और बड़ा मज़ा आया वहाँ पे जाके मेरे को। कमल कैसा लगा? कमल कैसा लगा वहाँ पे? अति सुंदर। मेरे तो आगे खुल कितना ठंडा पानी था जब मैंने तुम्हारा, हाँ एकदम एकदम आँखें एक थी एकदम खुल गई, बहुत ज़्यादा मज़ा आया। और भी चलते हैं और मिलते हैं आपसे आगे। अपन आ गए हैं यहाँ पे समुद्र तल से इतनी ऊंचाई पे, कितनी 2,670, और हालत हो चुकी एकदम डाउन, मेरे तो प्राण निकलने को हो रहे हैं। हाँ कमल क्या लग रहा है? बस चल रहा है। निकलेंगे प्राण पहुंचने से पहले? नहीं कैसा लग रहा है? हाँ सब खींच के ले जाना डंडे के जोर पे। कितने किलोमीटर आ गए? 6 किलोमीटर आ गए, 10 किलोमीटर बाकी है, पहुंच जाएंगे 3 घंटे। भाई सो गाइस 6 किलोमीटर आ गए,
अभी 10 किलोमीटर और बाकी है, पैरों ने से जवाब दे दिया है। तो अगर आप जो हैं अगर आना चाहते हैं केदारनाथ तो स्टील लीवर लेके आना, लीवर भी नहीं मत करो, पैरों में व्हील लगा के आइए आप लोग, तभी आप चढ़ पाएंगे, वरना आपके बस की नहीं है, आप नहीं चढ़ पाएंगे। और ये लड़की भी चढ़ रही है हमारे साथ, हाय। अपना घोड़ा भी साथ दिल्ली से ला सकते हैं आप। आपके पास कोई पर्सनल घोड़ा हो तो आप उसको दिल्ली से साथ ले आओ, यहाँ पे बीच में नहीं मिलेगा। ये लड़की हमारे साथ चढ़ रही है, क्या नाम है आपका? शिवांगी। शिवाय शिवांगी है, ये चौहान है, हाय। 45,000 रुपये खर्च करके हाँ में भी आ सकते हैं। दूसरा क्या है रास्ता आने के लिए बंसल जी पर? सबसे शॉर्ट रास्ता है प्लेन का। प्लेन का तो भाई जो पापा के परे हैं जो लोग वो लोग नहीं पापा से नहीं परे, पापा के जो परे हैं वो भी आ सकते हैं हेलीकॉप्टर से, मिल जाएगा। अनुभव जी कैसा लग रहा है? लग तो अच्छा रहा है, फिर अभी वीडियो के बाद बताऊंगा। टांगी क्या कह रही है? टांगी कह रही है रुक कर खाना खा ले। ये भाई मैं एक्सपीरियंस अपना शेयर करूं, मेरी तो हवा निकल गई यार, मेरी सही में हवा निकल गई आज। चेहरा मेरा बता रहा हो कि मैं कितना थक रहा हूँ। अपन चल लिए 11 किलोमीटर और अभी पहुँचा है ट्रैक 5 किलोमीटर का, और भाई हमारे साथ हैं। भाई अपना नाम बताइए। पवन। हाय गाइस। भाई अनुभव। तो बेसिकली दोनों भैया उत्तराखंड से ही बिलोंग करते हैं, लेकिन ये भी पहली बार जा रहे हैं, ये कोइंसिडेंस है। और ये भी इतने थक रहे हैं जितना हम थक रहे हैं, और अभी ये भी कोइंसिडेंस है। तो 6 बजे की आरती है, अब पता नहीं कि हम वहाँ तक पहुँच पाएंगे नहीं पहुँच पाएंगे, अपनी तरफ से पूरा कोशिश करेंगे। और अक्षय और प्रदीप रह गए हैं पीछे, उनको और ही ज़्यादा थकावट, मैं चल रहा हूँ अकेला, भाइयों ने दी मुझे कंपनी, थैंक यू भाई। तो हम हो गए अकेले। और अभी व्यू देखिए आप, तो भाई बंसल और प्रदीप कह रहे हैं कि हम तो दोबारा आएंगे नहीं, और मैं सोच रहा हूँ कि मैं दोबारा आऊँगा एक बार, और मैं 4 घंटे में पूरा ट्रैक चढ़ूँगा। अच्छा मजाक था वैसे मेरा, ये मेरा वैसे अच्छा मजाक था ये। तो गाइस मिलते हैं, बाय। सो गाइस जब मैं आया हूँ तो एक बार आपको मंदिर का बैक साइड भी दिखा देता हूँ। दरअसल वो शिला आपको दिखाना चाहता हूँ कि जब 2013 में यहाँ पे प्रलय आई थी जिसकी वजह से मंदिर जो है सेफ रहा, वो भी आपको दिखाऊंगा। एक बार आप मंदिर के 360 व्यू को देख लीजिए उस कैमरे से भी, और फिर उसके बाद मैं आपको पीछे ले चलता हूँ और फिर पीछे बताऊंगा कि पीछे क्या कुछ खास है मंदिर में। चलिए चलते हैं, ये हम जा रहे हैं मंदिर के पीछे की साइड। देख ली ये जो शिला है, यही है वो शिला, मेन शिला से जो है मंदिर सेफ था जब यहाँ पे 2013 में आपदा आई थी, और उसी के बाद से यहाँ पे रिकंस्ट्रक्शन के काम जो हैं वो काफ़ी तेज़ी से चल रहे हैं, और 4 धाम परियोजना के तहत ये सब हो रहा है। और फिर भी लेकिन काम अभी यहाँ पे काफ़ी होना बाकी भी रह गया है। दरअसल ये आप एक बार से बैक साइड देख लीजिए मंदिर की, पर से थोड़ा दिखाने की कोशिश करूँगा। ये बैक साइड है मंदिर की, तो यही है वो शिला यहाँ से, और बेसिकली ऊपर से आपदा आई थी, बादल फटा था, और उसके बाद जो है यहाँ पे शिला तो सेफ किया था मंदिर को, और पानी जो है यहाँ से 2 हिस्सों में बढ़ गया था। तो ये था केदारनाथ मंदिर का व्यू बैक साइड से भी, और एक बार आप चारों तरफ एक बार यहाँ पे नेचर को भी देख लीजिए, नेचर कैसी है। सुबह सुबह बहुत ठंड थी, हालांकि अभी टेम्परेचर थोड़ा ठीक है, तो ये नेचर है यहाँ की, बड़ा मज़ा आएगा आप भी अगर आएंगे तो। चलते हैं बस अभी यहाँ से। फाइनली मैं पहुँच गया हूँ केदारनाथ धाम, परसों रात को निकले थे दिल्ली से रात को 12 बजे, और पूरे दिन ट्रैवल किया, कल पूरे दिन यात्रा की। तो सबसे पहले मैं अगर मैं अपने एक्सपीरियंस की बात करूँ तो एक अलग एक्सपीरियंस मेरे को यहाँ पे देखने को मिला। और अगर आप में भक्ति है, बाबा से मिलने की इच्छा है, तो आप पैदल आइए, बड़ा मज़ा आता है। हालांकि पैर मेरे जो हैं वो जवाब दे गए थे, ऑलमोस्ट मेरे जितने साथी हैं उनके भी पैर जवाब दे गए थे, लेकिन फिर भी हिम्मत करके हम लोग पैदल आए। दो दोस्त हमारे आगे से उन्होंने खच्चर कर लिया, लेकिन मैं प्रदीप और कमल जो हैं वो पैदल आए। बड़ा ही अच्छा लग रहा है यहाँ पर आके, और थोड़ी सी धूप है हालांकि, लेकिन सुबह सुबह मौसम जो है वो बहुत ही सही था,
रात को दरअसल क्या हुआ कि नींद नहीं आई, और नींद आने का कारण ये था, एक तो क्या होता है कि जब सडनली जगह बदल जाती है तो मुझे नींद आती भी नहीं है, और भीड़ जो है एकदम यहाँ पे वीकेंड की वजह से, एक तो 2 अक्टूबर था एक तो, और दिल्ली अंसार के लोग जो हैं वो ये सोचते हैं कि अगर छुट्टी मिल जाए तो हम क्यों ना घूम के आएँ कहीं ना कहीं, तो वो लोग निकले और काफ़ी भीड़ थी यहाँ भी, आपको अगर विजुअल्स में देखने को मिलेगा, मेरे पीछे आप देख सकते हैं कितनी लंबी लाइन लगी हुई है मंदिर के दर्शन के लिए, तो दर्शन हमने कर लिए हैं, तो सोचा थोड़ी आपसे एक बार 1-to-1 बात हो जाए, तो फाइनली बहुत अच्छा लगा, और अभी देखते हैं आगे क्या प्लान है। वैसे दोस्त बोल रहे हैं कि मैक्लॉड माफ़ कीजिएगा लाइन्स डाउन चलते हैं या बद्रीनाथ मंदिर चलते हैं, लेकिन अभी इसी ब्लॉग में फ़िलहाल इतना ही, इसको यहीं ख़त्म करेंगे। ये वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें ज़रूर बताइए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और बहुत ही जल्दी मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए कीप वॉचिंग इनसाइड गियर।